और देखिए दिल्ली से सटे गुरुग्राम से एक अहम खबर। गुरुग्राम के नाइट क्लब में दो लोगों की मौत हो गई। अंगीठी जलाकर सोने की वजह से इन लोगों की जान चली गई। जन्मदिन की पार्टी मनाने आए थे चार लोग, रात में अंगीठी जलाकर नाइट क्लब में ही सो गए। जिंदा बचे दो लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दो लोगों की जान चली गई है। इससे पहले भी देश में ठंड के दौरान इस तरह के हादसे हुए हैं और एक बार फिर गुरुग्राम से ही ऐसी ही खबर हमारे सामने है। तो इन दिनों सर्दियों का दिन है, ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। घर में अंगीठी जलाकर सोना बहुत घातक हो सकता है। कैसे अंगीठी जलाकर सोना जान पर भारी पड़ सकता है, खतरनाक साबित हो सकता है, ये देखिए और समझिए। बंद कमरे में अंगीठी मतलब मौत को सीधी दावत। ऐसा होता क्यों है समझिए। अंगीठी में इस्तेमाल कोयला कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड इंसानी शरीर के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। कार्बन मोनोऑक्साइड से शरीर में ऑक्सीजन कम हो जाती है और कार्बन मोनोऑक्साइड सांस के जरिए फेफड़ों तक पहुंच जाती है, लंग्स में सीधा इफेक्ट करती है। फेफड़ों तक पहुंचने के बाद खून के संपर्क में आती है कार्बन मोनोऑक्साइड और हीमोग्लोबिन का लेवल घटता जाता है और इंसान की मौत की आशंका बढ़ती जाती है। इसलिए अंगीठी का इस्तेमाल करना बंद कमरे में ये आपके लिए प्राण घातक साबित हो सकता है। ऐसा बिल्कुल मत कीजिए और यह खबर कहीं ना कहीं हमें चेताती भी है, आगाह भी करती है। और न सिर्फ अंगीठी बल्कि रूम हीटर भी आपके शरीर के लिए घातक है। कमरे को गर्म रखने के लिए इन दिनों लोग रूम हीटर का इस्तेमाल करते हैं। रूम हीटर के क्या क्या साइड इफेक्ट हैं ये भी आपको बताते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड में इजाफे से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा खतरा है और ये खतरा सिर्फ अंगीठी तक सीमित नहीं है, रूम हीटर में भी ये खतरा रहता है। ऑक्सीजन की कमी से सांस की बीमारी का खतरा जो है वो पैदा हो जाता है। हीटर की हवा नमी को सोख लेती है, मॉइस्चर को सोख लेती है और इससे आंखों को नुकसान पहुंचता है। आप जब हीटर चलाते होंगे तो अक्सर आप महसूस करते होंगे एक तरह की ड्राइनेस पूरे कमरे में हो जाती है। स्किन की दिक्कत हो सकती है, सिरदर्द हो सकता है, हेडेक हो सकता है, इसलिए ऐसा काफी देर तक करना भी घातक है। हर वक्त करंट लगने या आग लगने का डर तो रहता ही है, इसलिए ठंड के दौरान इन चीजों का अगर इस्तेमाल करें तो बहुत सावधानी बरतें।